हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4, लेसन नेम थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, टॉपिक डिस्कवरिंग शतुपाद, द फेट ऑफ अमरावती एंड साची। अपने कंट्री के अंदर बुद्ध रिलीजन से या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेट बहुत सारे शतुपाद डिफरेंट प्लेस पर मिलते हैं। बहुत में आप देखेंगे, सारनाथ में, बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो स्तूपा हैं वो साची स्तूपा और अमरावती स्तूपा है। अमरावती का जो स्तूपा ना है वो सबसे लार्जेस्ट है, बड़ा है, बट साची स्तूप जो है वो सबसे एंशियंट है। आज हम इन दो स्तूपा की जो फेट है, किस्मत है, वो कैसे रही, ये हम जो है ना आज हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अमरावती, अमरावती स्तूपा। किसी भी स्तूपा की अपनी हिस्ट्री भी होती है, डिस्कवरिंग की हिस्ट्री होती है। तो अमरावती का स्तूपा, इसका इसकी हिस्ट्री क्या है? 1796 में आंध्र प्रदेश के किसी लोकल रूलर ने टेंपल बनवाने चाहे और अपने टेंपल को डेकोरेट करने के लिए उसे स्टोन चाहिए थे और उसने वो स्टोन अमरावती स्तूपा में से निकाले, जो उस टाइम वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सके और वहाँ से बहुत सारे स्टोन्स स्केल्पचर निकालते चले गए। उनके माइंड में तो ये था कि ये कोई ट्रेजरी है यहाँ पर, इसलिए एक तरह से उन लोगों ने अमरावती स्तूपा की रियल पोजीशन जो थी ना उसको हिला दिया, रुइन कर दिया इस स्तूपा को। दूसरा, डिस्कवरी कैसी हुई? कोलिन मैकेंजी, जो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे, वो अमरावती गए और उन्होंने कुछ इसके इम्पोर्टेंस को समझा, इसकी ड्राइंग बनाई। पर उसने इसकी जितना भी जो भी कुछ उसने ड्राइंग बनाई उनको उसने पब्लिश नहीं किया। तीसरी डिस्कवरिंग क्या है कि 1854 के अंदर आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे, जिसे हम डीसी कहते हैं, उसने अमरावती की विजिट की और अमरावती की विजिट करने के बाद यहाँ पर जो स्टोन थे, यहाँ पर जो स्कल्पचर थी, उनको उठा करके अपने ऑफिस, अपने मकान में, अपने ऑफिस में उसने उन स्कल्पचर को, स्टोन को ले आया। उसका नाम एलियट था, इसलिए बाद में इन स्टोन को एलियट मार्बल के नाम से भी जाना गया। इसके बाद में 1850 के आसपास यहाँ से बहुत सारे स्टोन और स्कल्पचर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता ले जाए गए स्टोन यहाँ के, कुछ स्टोन फिर बाद में मद्रास ले जाए गए और कुछ स्टोन और स्कल्पचर तो यहाँ से लंदन और पेरिस में भी ले जाए गए। इस तरह इस स्तूपा का एक तरह से रुइन, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रैक्शन कर दिया गया। एच कोल जो एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, वो ही रोट, वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, इट इज सीम्स टू मी ए सुसाइडल पॉलिसी, कि ये मेरे लिए एक आत्मघाती नीति थी कि इन लोगों ने प्लास्टर कास्ट कॉपी ले जानी, बना लेनी चाहिए थी अपने म्यूजियम में, रियल जो स्केल्पचर थी उनको यहीं पर रखा जाने चाहिए था, बट कॉल इन ऑफिशियल लोगों को खुश नहीं कर सका, राजी नहीं कर सका और उन्होंने सब ऐसा अमरावती की स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो इस तरह अमरावती जो स्तूप है उसकी
जो फेट है वो इस तरह रही है। एक तरह से अमरावती स्तूपा अपनी रियल पोजीशन खो चुका था और यहाँ से लोगों ने स्टोन और स्केल्पचर को निकाल लिया था। ओके, सेकंड सांची। सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इस स्तूपा की विजिट मैंने भी की है। यहाँ की जो रेलिंग है उस पर से मैं घूमा हूँ और यहाँ के इसके एक बहुत बड़ा जो मेन स्तूपा है वो बहुत बड़ा है। इसके आसपास छोटे छोटे स्तूपाज और भी हैं। और जब हमने 2005 में यहाँ की विजिट की तो छोटे छोटे स्तूपाज की वहाँ पर एक्सकर्शन होने लग रहा था। इस स्तूपा के चारों डायरेक्शन में चार गेटवे हैं जो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 30, 30 और 40 मीटर्स की जो है उनकी हाइट है। और उन जो गेट के गेटवे हैं उनके ऊपर जो स्टोन लगे हुए हैं, एक ही स्टोन लगा हुआ है। एक ही स्टोन मतलब क्या है कि एक स्टोन की हाइट ये है तो उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। और उसके ऊपर जातक से रिलेटेड स्टोरीज पाली में लिखी गई हैं। बहुत देखने के लिए सुंदरता देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए सुंदर है। तो यहाँ पर सांची स्तूपा की डिस्कवरी कैसे हुई? इस स्तूपा की डिस्कवरी 1818 में हुई थी। 1818 में यहाँ पर 1818 में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो सांची स्तूपा मैंने क्या बताया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आप जब दिल्ली से भोपाल की विजिट करोगे तो भोपाल जाने से पहले 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में आपको ये एक पहाड़ी पर दिखाई देगा। यदि आप रेल रुकवाना चाहते हैं इसके लिए देखने के लिए तो 2 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है। तो जब इसकी डिस्कवरी 1818 में हुई तो इसके जो गेटवे हैं वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वाला सुरक्षित थे, प्रिजर्व थे। ईस्ट वाला गेटवे अपनी रियल पोजीशन पर वहीं पड़ा था, बाद में उसको लगवा दिया गया है। ये बहुत बड़ा स्तूपा है। इस स्तूपा को बचाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सुल्तान जहां बेगम और शाहजहा बेगम का है, जिसने पेरिस और लंदन में इसके स्टोन इसके स्केल्पचर को जाने से बचा लिया था और उन लोगों को प्लास्टर कास्ट कॉपी के लिए राजी कर लिया गया था। तो इस तरह हमारे दो स्ट्रक्चर स्तूपा अमरावती नष्ट हो गया और सांची को किसी न किसी तरह से बचा लिया गया है। सांची जो है वो भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक माउंटेन रेंज के ऊपर आज भी सुरक्षित है। तो आज अपना टॉपिक यही था, फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। क्या दोनों की नियति दोनों की किस्मत क्या रही, एक डिस्ट्रॉय और दूसरा बचा रहना। ओके, थैंक यू।